दोस्तों, ये ट्रेजेक्टरी पैरामीटर का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देखेंगे कि ट्रेजेक्टरी पैरामीटर का इंडस्ट्री में यूज कैसे कर सकते हैं किसी रियल प्रोडक्ट को डिजाइन करने में। इसमें है जो कोका कोला बॉटल होती है उसका बॉटम शेप, बॉटल का कैप एंड एक टेलीफोन केबल एंड एक होज पाइप, ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, ये डिजाइन करेंगे। चलिए एक न्यू फाइल बनाते हैं एंड ओके, यहाँ पे प्लेन्स को विजिबल कर लेते हैं। एंड सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे बोतल का बॉटम शेप। इसे डिजाइन करने के लिए सबसे पहले इसके टॉप प्लेन में एक स्केच बनाते हैं। सर्कल बनाइए एंड कमांड से बाहर चलिए, अप्रोक्स 100 डाया का। देन इतना करने के बाद कमांड से बाहर आ जाइए, तो 100 डाया का एक सर्कल है। देन इस पे हमें स्वीप करना है, स्वीप करना है एक प्रोफाइल को एंड प्रोफाइल रहेगी हमारी कुछ इस तरीके से। वन क्लिक, टू, थ्री एंड फोर। मेक श्योर यहां पे सेंटर एंड इसके बीच में थोड़ा सा गैप रखिएगा। इतना करने के बाद कमांड से बाहर आते हैं एंड ओके, इसे ओके कर दीजिए क्योंकि ये सॉलिड से सरफेस में ले जाएगा ऑप्शन को, तो सिंगल कर्व है तो सरफेस बनेगा। एंड आप देखेंगे कुछ इस टाइप का शेप बन रहा है एंड ये कहीं से बॉटल के बॉटम सरफेस का शेप नहीं लग रहा। शेप तो अच्छा लग रहा है वैसे, लेकिन जो बॉटल का शेप होता है उसमें ये कर्व ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। जैसे यहां पे देखें तो आप पाएंगे सिमिलर वही शेप है लेकिन वो ऊपर नीचे ओसिलेट हो रहा है। तो अब हमें जरूरत है कि ये जो स्केच है इसे ऊपर नीचे ओसिलेट कराने की जरूरत है। ओसिलेट कराने के लिए इसमें ट्रेजेक्टरी पैरामीटर्स लगाएंगे एंड ऐसा करने के लिए हमें इसके सेक्शन को चेंज करना होगा। तो अलाउ सेक्शन टू चेंज में क्लिक करिए, देन अगेन स्केच में क्लिक करिए, ओके। एंड पाएंगे कि यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हमारा ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा सा, ये चेंज अगर ये जाके ऐसे हो जाए एंड ऐसे हो जाए, देन इस टाइप का शेप बन जाएगा बोतल का शेप। इट मीन अगर ये वाला प्रोफाइल पहले इसकी डायमेंशन लेटर सपोज 10 है, देन इसमें 2 mm का चेंज कर दें तो ये 8 बचे एंड 12, 8 एंड 12 के बीच ऊपर नीचे वो सिलेक्ट होकर देन वही शेप आ जाएगा। ओके चलिए सब कुछ क्लियर करते हैं एंड लगाते हैं यहाँ पे ट्रेजेक्टरी पैरामीटर, रिलेशन लगाते हैं। रिलेशन आपको यहाँ पे टूल्स में जाके रिलेशन मिल जाएगा। रिलेशन की टैब ओपन हो गई एंड किस डायमेंशन में रिलेशन लगाना है, हमने उस डायमेंशन को सबसे पहले डिनोट नहीं किया, तो यहां से बाहर चलते हैं। सबसे पहले डायमेंशन लेते हैं इस पॉइंट के बीच में एंड इस लाइन के बीच में, मिडल माउस प्रेस करिए एंड एक डायमेंशन डिफाइन करिए, ये 14 के अराउंड डायमेंशन आ रही, ओके कोई बात नहीं। देन फिर से रिलेशन लीजिए, इस ST9 को सिलेक्ट करिए, देन इज इक्वल टू, अभी तो ये थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, हम इसकी डायमेंशन रखेंगे 12। 12 में प्लस माइनस करेंगे कुछ वैल्यू को और वो वैल्यू साइन के हिसाब से चेंज होगी। देन साइन, साइन के अंदर 360, यानी साइन करूं ऊपर नीचे 360 टाइम ऑसिलेट होगा, 360 टाइम नहीं पूरा 360 डिग्री में होगा। एंड मल्टीप्लाई ट्रेज पर, ट्रेज पर देन मल्टीप्लाई, कितने बार ऊपर नीचे बम्प बनाने हमको, तो टोटल 5 बम्प बनाने, तो 5 लिख दीजिए एंड ओके। देन मल्टीप्लाइज, अब देखिए ये जो 12 है, 12 में ऊपर कितना जाना है नीचे कितना जाना है वो वैल्यू यहां पे लिखेंगे, तो ऊपर भी 2 ले जाएंगे नीचे भी 2 ले जाएंगे, तो 2 2 4 हो गया, तो यहां पे टोटल 4 लिखिए, 4 लिख दिया एंड ओके। इतना करने के बाद सिंपली आपको ओके करना है, जैसे ओके करेंगे देखिए वही शेप मिल गया कि नहीं। अब अगर आपको लग रहा है कि इसका जो बम्प है थोड़ा सा कम लग रहा है, तो फिर से एडिट करके रिलेशन को ये बम्प की 12 की जगह यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए 14 एंड बम्प हाइट 4 की जगह 3 कर दीजिए, इट मीन 1.4 की जगह 5 कर दीजिए, 2.5 ऊपर नीचे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके अब सही लग रहा है, ठीक है ये प्रॉपर शेप लग रहा है एंड इसे फिनिश कर दीजिए तो ये शेप बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने उसको एकदम एग्जैक्ट सेंटर से इसलिए नहीं मैच कराया था, अगर सेंटर से मैच करा देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फेल्ड हो जाएगा एंड इसे क्लोज करने के लिए फिल सरफेस का यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बॉटल का बॉटम फेस एंड अगर इसके
कर्व को चेंज करना है तो कर्व को आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके शेप को थोड़ा सा चेंज करना है ना, तो इसको शेप को यहाँ से भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि किस हिसाब से इसका डिजाइन रखना है, जो कुछ भी हो ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, थोड़ा जल्दी करते हैं, ये बॉटल कैप। बॉटल कैप को डिजाइन करने के लिए भी सिमिलर प्रोसेस है। सबसे पहले इस प्लेन को लीजिए, देन यहाँ पे स्केच बनाइए। स्केच पे रहेगा सर्कल, चलिए यहाँ पे बनाते हैं एंड यहाँ पे लेते हैं सर्कल। सर्कल का डायमेंशन रखेंगे हम लोग 35 एंड ओके। इतना करने के बाद फिर से स्वीप लेते हैं, स्वीप में फिर से सरफेस ऑप्शन सिलेक्ट करिए, अलाउ सेक्शन टू चेंज, क्योंकि उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। देन स्केच में क्लिक करिए। इतना करने के बाद इस पार्ट को जूम कर लीजिए। अब देखिए 35 तो डायमीटर है, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा हम स्प्लाइन लेंगे एंड उस स्प्लाइन की हाइट बहुत ही कम रखेंगे ऐसे। एंड कमांड से बाहर आते हैं, कुछ इस टाइप से वो स्प्लाइन बनी है। अच्छा देखिए यहाँ पे डबल पॉइंट बन गए, इसलिए स्प्लाइन का शेप चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत है, एक पॉइंट को डिलीट करना है, किसी भी एक पॉइंट को कंट्रोल जेड, पूरी स्प्लाइन ही डिलीट हो गई। उस पॉइंट में क्लिक करके, राइट क्लिक करके एंड चलिए पूरी ही डिलीट हो जा रही है, फर्स्ट एंड सेकंड, बस दो ही पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा देने हैं। अब उसके बाद करना ये है कि टोटल हाइट को यहाँ से डिफाइन कर लीजिए कि हाइट हमें कितनी रखनी है। इस टोटल कैप की हाइट हमें 2 रखनी है एंड यहाँ से ये वाली हाइट कितनी रखनी है, ये 1 रखनी है। इतना कर लिया। अब अगर इसे ओके करेंगे तो आप पाएंगे इस टाइप से बॉटल कैप बन रहा है अभी, है ना। अभी एकदम सिंपल सा डिजाइन फॉर्म हो रहा है। देन अगेन स्केच में चलते हैं। अब यहाँ पे लगते हैं ट्रेजेक्ट्री पैरामीटर का यूज करके इसके शेप को चेंज करते हैं। देन अगेन रिलेशन में चल के इस डायमेंशन में रिलेशन लगाएंगे। इसमें इसलिए लगाएंगे कि हम चाहते हैं कि ये जो शेप है वो डायमेंशन है, अंदर आए बाहर जाए, अंदर जाए बाहर जाए, ऐसे ऐसे करेंगे देन यही वाला शेप बन जाएगा। देखिए मेरा जो मोटो है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, ना कि ट्यूटोरियल। आप ट्यूटोरियल अगर देखना चाहते हैं कि बॉटल कैप सिर्फ बनता कैसे है, तो 1000 वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन कॉन्सेप्ट देखना है कि वो बनता किस कारण की वजह से है, तो वो सिर्फ आपको मेरे वीडियो में समझ में आएंगे। ओके देन इज इक्वल टू, इसके बाद हमें फार्मूला यूज करना है। देन फार्मूला यूज करना है, सबसे पहले इसकी डायमेंशन लिख दीजिए, अप्रोक्स कितनी डायमेंशन ली थी। तो इसकी डायमेंशन हम ले ली थी 1, 1 लिख दिया। देन 1 में थोड़ी सी वैल्यू को कम ज्यादा करना है, कितना कम ज्यादा करना है हमें, कम ज्यादा करना है साइन के हिसाब से। साइन देन ब्रैकेट 360 मल्टीप्लाई स्ट्रेच बार, स्ट्रेच बार ओके। देन अगेन मल्टीप्लाईज, मल्टीप्लाईज करना है कितने उसमें टर्न्स रहेंगे। टर्न्स का मतलब ये चीज 1 2 3 4 5 6 ये जितने रहेंगे उनकी एक अप्रोक्स वैल्यू लिख दीजिए। तो चलिए हम इनकी वैल्यू लिख देते हैं 50 ओके। देन यहाँ पे रिलेशन में इनकी वैल्यू लिख देते हैं 50। देन इस पूरे ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दीजिए। अब क्लोज करने के बाद अब वो चीज लिखिए कि 1 में कितना वैल्यू कम करना है, कितना ज्यादा करना है। तो हमें कम ज्यादा करना है 0.5, टोटल 0.5 ऊपर नीचे ले जाना है, यहाँ पे मल्टीप्लाइज लगा के मल्टीप्लाई 0.5 एंड ओके कर देंगे। देन अगेन कमांड से बाहर आएंगे, जैसे ही बाहर आएंगे आप पूरे ऑब्जेक्ट को जूम आउट करिए एंड देखेंगे तो वही शेप फॉर्म हो रहा है। देन टॉप व्यू से देखते हैं चल के, टॉप व्यू एंड ओके। ये देखिए एकदम परफेक्ट शेप हमारा डिजाइन हो गया। अगर इस शेप को चेंज करना है देन फिर से स्केच में चाहिए। स्केच में आने के बाद फिर से रिलेशन में चलिए एंड 50 की जगह अगर आपको काउंट बढ़ाने 80 करने तो 80 कर दीजिए एंड ओके। देन अगेन ओके, टॉप व्यू आराम से समझिए एकदम ओके। देन यहाँ पे पाएंगे ये शेप ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो 50 के साथ ही हमारा शेप जो था वो एकदम परफेक्ट बन रहा था। यहाँ पे कुछ ज्यादा सा आगे की ओर मतलब पास पास आ गए ये सारे जो व्यूज हैं, तो फिर से ठीक करते हैं। यहाँ पे 50 वैल्यू एकदम परफेक्ट थी एंड 0.5 ही सही है, अंदर बाहर अंदर बाहर जो हम ले जा रहे हैं पूरे कर्व को वो 0.5 ले जा रहे हैं एंड ओके। देन फिनिश कर दीजिए इसको, टॉप व्यू से चलते हैं देखते हैं। 0.5 0.5 का मतलब हम यहाँ पे आपको पहले समझा दें।
एक्चुअली में हमारा कर्व था यहां पे, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस है 1, ये डिस्टेंस है 1, लेकिन 1 में हमने 0.5 मल्टीप्लाई किया था लास्ट में, तो वो 0.5 मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि यहां से 0.25 नीचे जा रहा है एंड यहां से यहां तक 0.25 ऊपर जा रहा है। तो अगर ऊपर वाले एंड नीचे वाले इन दोनों के बीच की डायमेंशन निकालें तो आएगी 0.5। अगर आपको ये चीज ज्यादा करना है तो इस वैल्यू को बढ़ा दीजिए। ओके, आई थिंक ये चीज समझ गए, एंड पिछले वीडियो को देख लीजिए अगर और क्लियरली समझना है तो। अब देखिए, लेकिन अभी बोतल शेप ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे देखेंगे बहुत ज्यादा होलो है, तो नीचे से इसे कंप्लीट करने के लिए फिर से एडिट डेफिनेशन, देन स्केच को एडिट कर दीजिए एंड इसकी जो प्रोफाइल है इसे ही चेंज कर दीजिए। एक लाइन लीजिए, स्प्लाइन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ओके, देन स्प्लाइन, इनके इनके बीच टेंजेंट कॉन्स्टेंट लगा दिए एंड इतना करने के बाद ओके कर देंगे तो पाएंगे इस टाइप से शेप बन गया है इसका। द नेक्स्ट नेक्स्ट शेप है हमारा टेलीफोन केबल बनाना। टेलीफोन केबल जैसे देखते हैं ना, राउंड 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 होती है एंड उसे अगर बड़ा करो तो बड़ा भी हो जाती है। देन इसे डिजाइन करेंगे, इसे डिजाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए देखते हैं। इसे डिजाइन करने के लिए सबसे पहले इसका जो शेप है उस शेप का एक कर्व बनाना पड़ेगा। देन इस प्लेन में चल के एक स्केच बनाते हैं, स्केच में लेते हैं स्प्लाइन एंड स्प्लाइन से पूरे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। यही हमने एक स्प्लाइन बना ली एंड यहीं पे टेलीफोन वायर को ले जाना है। देन इतना करने के बाद देन अगेन स्वीप में क्लिक करिए, देन सरफेस अलाउ सेक्शन टू चेंज, देन स्केच। इतना करने के बाद यहाँ पे एक लाइन बनाइए। अब देखिए इस लाइन की लेंथ इस पूरे ऑब्जेक्ट के डायमीटर के बराबर रहेगी। ये जो पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना राउंड राउंड, इसका डायमीटर ऐसे बता रहे हम आपको, ये डायमीटर कितना रहेगा एंड इसका सपोज दैट इसका डायमीटर रखना है आपको 2, तो इसका रेडियस रखेंगे 1। ओके, ये चीज कह रहे हैं हम, देन यही वैल्यू लेना है आपको यहाँ पे। देन डायमेंशन इसमें क्लिक किया, देन मिडल माउस इसको सिलेक्ट करके मिडल माउस एंड यहाँ पे इसकी डायमेंशन ले लेंगे 1। जूम करिए, आप देखिए यहाँ पे रिलेशन लगाना है। अब दिमाग से सोचिए कि रिलेशन किस ऑब्जेक्ट में लगाना होगा। हमें रिलेशन लगाना है इस डायमेंशन में, एंगल वाले डायमेंशन में एंड इस एंगल को पूरे इस लाइन को ऐसे 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 करके रोटेट करना है। आप अगर देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले स्वीप इसे राइट क्लिक करके, अच्छा अभी दूसरा फाइल एक्टिवेट है इसलिए यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो चलिए वहीं पे हम दिखा दे रहे हैं आपको सारी चीजें, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या करना है। देन इस पे लगाना है फार्मूला इज इक्वल टू, इस पूरे को 360 में रिवॉल्व कराना है। देन इसमें डायरेक्ट ट्रेच पार का यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्रेच पार मल्टीप्लाइज 360 करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरे 360 में से रिवॉल्व करना है एंड कितनी बार रिवॉल्व करना है 360 में, हमें करना है इसको 50 टाइम्स पूरे पाथ में, ऐसे ऐसे करके इसे रिवॉल्व करना है। सपोज दैट ये पाथ है तो इस लाइन को ऐसे 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 करके कितनी बार करना है, 50 टाइम्स करना है, ये मीनिंग है इसका। ओके, डिलीट करते हैं सब कुछ, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे एंड यहाँ से भी ओके करेंगे वो शेप मिल जाएगा। देखिए जो शेप हम बता रहे थे ना वही शेप यहाँ पे फॉर्म हो गया, लेकिन देखेंगे एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में वेवलेंथ की बात कर ले तो ज्यादा है। वेवलेंथ को कम करने के लिए जो 50 की जगह हमें 100 करना पड़ेगा, उस काउंट को 100 या 120 करते हैं, 120। ओके ओके, देन अब थोड़ा पास पास हो गए। इतना करने के बाद ओके कर दीजिए तो ये सरफेस शेप बन गया। इस सरफेस शेप के जो आउटर एज है इस एज को सिलेक्ट करके देन अगेन स्वीप करना है एंड यहाँ पे एक प्रोफाइल स्वीप कर देनी है सिंपल सी। फिट कर लीजिए स्क्रीन को, सर्कल लेना है, जूम कर लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रिलेशन लग गया, देन डिलीट, रिलेशन नहीं लगाना हमें यहाँ पे, डायमेंशन देनी है 0.5।
ओके एंड कमांड से बाहर चलते हैं, देन आप पाएंगे कि ये टेलीफोन वायर बन गया, ये देखिए ऐसे ऐसे। एंड जो अंदर का जो पहले सरफेस बनाए थे उस सरफेस को हाइड कर दीजिए, ऐसे जाके सरफेस हाइड हो गई। एंड चाहे तो उस स्केच को भी हाइड कर दीजिए, ये ऐसे पूरी केबल बन गई। देन अब बात करते हैं होस पाइप की, ये जो पाइप है इसमें इस पाइप को कैसे डिजाइन किया गया। इसे डिजाइन करने के लिए फाइल में आते हैं, इसके लिए भी एक स्केच बनाना पड़ेगा हमको। स्केच में स्प्लाइन ही बनाते हैं, एंड कमांड से बाहर ये एक शेप बना लिया अपने होज पाइप का। देन स्वीप, स्वीप में देन सरफेस एंड अलाउ सेक्शन टू चेंज। जरूरी नहीं सरफेस करें, लेकिन यहाँ पे सरफेस हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो अंदर से होलो रहेगा, इसलिए सरफेस बनाते हैं। एंड दूसरा रीजन ये रहता है कि अगर जो हम स्केच बना रहे हैं वो ओपन भी रहेगा तो सरफेस सपोर्ट कर लेगा, इसलिए सरफेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, ओके एंड इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, 5 डायमीटर दे देते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रैजेक्टरी पैरामीटर लगेगा इसी डाया 5 के साथ लगेगा, देन रिलेशन डाया देन इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट रिलेशन हम लगा सकते हैं कि इसका डायमेंशन हमने कितना रखा है। इसका डायमेंशन हमने रखा है 5, तो 5 लिख दीजिए, बेसिकली 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हैं। एक इसका बेसिक डाया, तो हमने डाया लिख दिया, वैल्यू लिख दिया 5, इसका डाया 5 है। अब यहाँ पे 5 के साथ कुछ चेंजेस करने हैं, 5 के साथ कितना चेंजेस करना है, हम चाहते हैं कि ये 5 डाया थोड़ा सा अंदर आए एंड थोड़ा सा बाहर जाए, तभी तो ऐसे 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 वाला शेप बनेगा। तो देखिए यहाँ पे साइन कर्व कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह साइन कर्व का यूज होता है। देन यहाँ पे प्लस साइन एंड साइन के अंदर से फिर से वही लिखना है, कोष्ट में लगा के 360 मल्टीप्लाई स्ट्रेच पार स्ट्रेच पी ए आर स्ट्रेच पार देन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है कितने रिपल चाहिए, ये वाले जो शेप है ये कितने चाहिए, हमें चाहिए 120। ओके इतना करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को, देन अगेन मल्टीप्लाई। अब देखिए ये जो रिपल है ऊपर एंड नीचे वाले रिपल के बीच की डायमेंशन कितनी रखनी है, हमें डायमेंशन रखनी है 0.5 एंड ओके, देन अगेन ओके एंड ये देखिए ये रिपल आने लगा। बट देखेंगे यहाँ पे रिपल की जो वेवलेंथ है, एम्पलीट्यूड है, ऊपर एंड नीचे के बीच ये जो डिस्टेंस है ट्रेवल, ये बहुत कम है। देन अगेन इस स्केच को एडिट कर देते हैं, चल के रिलेशन को मॉडिफाई कर देते हैं, 0.5 की जगह 1 कर देते हैं एंड ओके ओके, इतना सही है। लेकिन ये हर एक रिपल बहुत दूर दूर है, तो इसको पास पास लाने के लिए फिर से मॉडिफाई कर देते हैं इसे एंड 120 की जगह ये जो रिपल्स हैं ये 200 कर देते हैं, 1 ज़्यादा नीचे हो गया, तो इसे 0.8 कर देते हैं। ओके नो नो नो, इसे ओके करना है एंड ये एकदम परफेक्ट है। देन कमांड से बाहर चलिए, कमांड से जैसे ही बाहर जाएंगे देखिए होस पाइप का डिजाइन बन गया। ओके आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हम क्या चाहते हैं बेसिकली, अगर सर्कल को स्वीप करेंगे तो सिंपल सा स्वीप हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं वो सर्कल का डायामीटर स्वीप होने के साथ साथ कम ज़्यादा हो, तो साइन कर्व के साथ कम हो रहा है। पहले उसका डाया 1 है, 1 से आके सॉरी उसका डाया 5 था, 5 से कितना कम हुआ, कम ज़्यादा की वैल्यू हमने रखी है यहाँ पे 0.8, जो 0.8 वैल्यू रखी है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 0.8 वैल्यू है, तो ऊपर जाएगा सेंटर से ऊपर जाएगा 0.4 एंड यहाँ से नीचे आएगा 0.4, यानी यही सेप मिल जाएगा ऐसे ऐसे। आई थिंक सारी बातें आप समझ गए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड दूसरे एक्साइटिंग ट्यूटोरियल्स के साथ एंड शेप्स के साथ, एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल्स आपको रियली में कैसे लगे।